Hello students, in this video we will learn addition of frustration. हाँ frustration सही बोला मैंने. Frustration इसलिए क्योंकि हमें ये solve करने आते ही नहीं है. इनको solve करने के बहुत सारे तरीके हैं और आप fraction का frustration कर रहे हैं. ठीक है, तो मैं आपका थोड़ा सा frustration कम करूंगा. मैं आपको easy way बताऊंगा इनको solve करने का. हम addition भी सीखेंगे और subtraction भी सीखेंगे. और इसमें सबसे पहला जो टाइप मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे सॉल्व करेंगे वो है लाइक फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस. ओके, लाइक फ्रैक्शंस पहली बात तो होते क्या है. ठीक है, अगर आपको ध्यान हो मैंने एक पहले एक और वीडियो भी बनाया था इनके ऊपर. दो वीडियो बनाए मैंने, पोस्ट किए हैं. शायद आपने ना देखे हो, फिर भी एक बार देख लेना, आपको समझ आ जाएंगे. लाइक फ्रैक्शन उन फ्रैक्शंस को कहते हैं जिनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम होता है. अब डिनोमिनेटर क्या होता है ये भी नहीं पता, न्यूमरेटर क्या होता है ये भी नहीं पता. तो मैं आपको एक बार वापिस से बता दूं, अगर मैं ऐसे नंबर लिखता हूं 3/5 तो ऊपर वाला जो है हमारा नानू है, नीचे वाला हमारा दादू है. ठीक है, दादू नीचे नानू ऊपर. ओके, तो 3 जो है वो न्यूमरेटर और 5 जो है वो डिनोमिनेटर है. ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम है, हम बहुत सारे फ्रैक्शन लें और उनका डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल मैं ले लूं यहां पे 4/5, 6/5, 7/5. आप एक चीज देखोगे यहां पे कि इन सभी के नीचे नीचे मतलब डिनोमिनेटर में मैंने 5 ही लिखा हुआ है. तो इस 5 को, इस 5 की वजह से इन सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए और डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से हम ऐसे फ्रैक्शंस को क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं. अब बात आई कि इनको ऐड कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन. तो बहुत ही आसान है, इन कैसे करना है. मैं आप कुछ दो फ्रैक्शन ले लेता हूं, यही फ्रैक्शन लिख लेता हूं. यहां पे मेरे पास है 3 और इनको प्लस करते हैं. ऐसे ही इसी वे में हम माइनस भी करेंगे और इनका डिनोमिनेटर 5 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम लिख लिया. 3/5 + 4/5 ये मेरी फ्रैक्शन है, दोनों लाइक है. देखो येलो में मैंने डिनोमिनेटर लिखा है, दोनों का डिनोमिनेटर 5 है और इस 5 होने की वजह से इसे हम लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन. तो करना कैसे, बहुत ही आसान. दोनों का 5 है तो एक बार लिख दो कॉमन, प्लस नहीं करना, ध्यान रखना दोनों के पास 5 है तो 5 लिखो यहां पे, और ऊपर जो न्यूमरेटर लिखे हुए हैं हमने उनमें प्लस डाल के लिख दो. अगर यहां पे प्लस है तो प्लस डालो यहां पे, अगर माइनस है तो यहां पे माइनस डालो. ओके, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस डालो. ठीक है, दो साइन एक साथ नहीं आते, मैंने जस्ट बताया कि अगर माइनस आ गया तो माइनस डाल भी देना. ओके, तो अभी जैसे प्लस था तो प्लस कर लेते हैं हम, 7 इनको प्लस करने का है और डिनोमिनेटर इनका आ गया 5. हो गए, ये है इनकी लाइक फ्रैक्शन की एडिशन. बात खत्म. सबट्रैक्शन में भी ऐसे ही करते हैं. तो हम ये दो फ्रैक्शन ले लेते हैं. यहां पे मेरे पास फर्स्ट फ्रैक्शन आई 7/5 - 6/5. डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, सेम ही लिख रहा हूं मैं यहां पे. मेरे को सब सबट्रैक्ट करना, तो इसके लिए पहला काम क्या करना था, लाइन खींचनी थी. ये तो आप भूल ही जाते हो. दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, 5, लाइक है तो एक बार लिख दो, लाइक है और हमें हमें भी बहुत लाइक है क्योंकि ये काम ही बड़ा आसान कर रहे हैं. अब दोनों का न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर कितना है यहां पे, 7 बीच में इनके, माइनस माइनस लगा देंगे और 6 लिख देंगे. माइनस कर दो, आसान, 7 - 6 = 1 अपॉन डिनोमिनेटर इनका आ गया 5. ये है इनकी लाइक फ्रैक्शन की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ओहो, मैंने एडिशन लिखा और सब्ट्रैक्शन भी सिखा दिया, मल्टी टैलेंटेड. ओके, ज्यादा सीरियस मत लेना. अब आपको ऐसे ही 10 से 15 क्वेश्चन करने हैं ताकि आपकी ये कंफ्यूजन जो प्लस करने वाली कंफ्यूजन है वो निकल जाए. ठीक है, फालतू में नंबर कटाओगे एग्जाम्स में, इससे अच्छा आप इनको प्रैक्टिस कर लो. लाइक फ्रैक्शन वीडियो वापस से देखो एक बार, समझ आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर वापस से देखो, समझ आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर वापस से देखो और इन्हें सॉल्व करो. मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं तो आपको वो करने हैं. क्वेश्चन है 8/7 + 9/7 फर्स्ट क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन है मेरा 3/5 + 4/5. आसान, डिनोमिनेटर सेम. और एक क्वेश्चन दे देता हूं, 17/15 + 13/15. लो जी, कर लो इनको, ये 3 क्वेश्चन है, करके आंसर निकालो. तो बहुत आसान है, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाले प्लस करने हैं, माइनस भी करना है इनको, है ना. माइनस करने के लिए थोड़ा पंगा करेगा,
चेंज कर लेते हैं, 9 आगे लिख लेते हैं क्योंकि अभी बोर्ड मार्क्स हमारे सिलेबस में शायद ना आया हो और हमें भी समझ ना आया हो क्योंकि विपिन सर ने अभी पढ़ाया तो है नहीं, ठीक है। बोर्ड मार्क्स ये माइनस करना, इसे भी माइनस करना, सब्ट्रैक्टेड एंड ऑल्सो सब्ट्रैक्टेड दिस, ये तो यहीं पे कर लो, माइनस कर दो और आंसर निकाल दो। यस, आप सभी को आ रहे हैं, ठीक है। वैसे भी मैंने एक बार वापस बता दिया, अच्छी बात है, अब करके देखो। मैं आपके लिए सेकंड का सेकंड बताता हूं।